तो लेट अस स्टार्ट। हेलो विनीत, नहीं आया अब तक? विनीत, गुड आफ्टरनून शंकर। विनीत नहीं आया आज? अच्छा, ओके, ठीक है। तो हर्ष रिकॉर्ड कर रहा है, तो हर्ष आप देख लो बेटा, मतलब वो अच्छे से रिकॉर्ड हो, क्योंकि आज विनीत रिकॉर्ड नहीं कर रहा है, फिर अपने पास एक ही होगा है रिकॉर्डिंग। हाँ सर, ठीक है, ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम जाएगा तो मुझे बता देना। हाँ सर, ठीक है, ठीक है, चलो शुरू कर लेते हैं। तो अपन पढ़ने वाले हैं, मैं ना बोला था मैंने लास्ट टाइम आपको कि मैं आज कुछ स्ट्रक्चर्स डिस्कस करूंगा आपसे, और फिर अपन को इस वाले पार्ट में जो केमिकल बॉन्डिंग 3 है ना, इसमें अपन को हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ना है। तो पहले अपन कुछ स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं, और वो स्ट्रक्चर्स जो होंगे कंपाउंड्स के, वो मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट आर दो स्ट्रक्चर्स। एक मिनट, किसी बच्चे का मैसेज, किसी बच्चे का। तो प्रॉब्लम हो गई, और रिमूव करने के बाद वापस ऐड नहीं होते। हाँ, दूसरे सर चले। हाँ, ये लो। फोन आ रहा था बार बार ना, एडमिन करके ज्वाइन किया था ना, तो ठीक है। तो अपन शुरू करते हैं। बॉन्ड एनर्जी ऑफ F2Cl2Br2 बताओ। ठीक है, तो अपन ने लिखा था ना बॉन्ड एनर्जी ऑफ Cl2 ना, Cl2 ज्यादा होता है F2 से, और ऑब्वियस सी बात है। दूसरा अपन से कहा गया इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कैसे अफेक्ट करेगा, तो अगर इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस ज्यादा है ए और बी के बीच में तो बॉन्ड एनर्जी इज लेस, अगर बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा तो बॉन्ड एनर्जी लेस है, और अगर बॉन्ड लेंथ कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है बॉन्ड लेंथ कम होने का मतलब है और इधर ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कम हो जाएगा, इधर ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कम है तो बॉन्ड एनर्जी कम होगा। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस पास होने का मतलब है ऑर्बिटल ओवरलैपिंग ज्यादा है, अगर ऑर्बिटल ओवरलैपिंग ज्यादा होगा तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगा। इसमें बॉन्ड एनर्जी, इसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा इसलिए है बिकॉज एफ ना, इसमें इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कम है, और लोन पेयर होंगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो तो ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, तो लोन पेयर पास होंगे तो हमेशा उनमें रिपल्शन होगा, है ना, रिपल्शन होगा। और ये दोनों ही लोन पेयर सेकेंड शेल के, ये भी 2p का इलेक्ट्रॉन है, ये भी 2p का इलेक्ट्रॉन है, तो जितना ज्यादा ये बॉन्ड लेंथ अगर ज्यादा होता है तो लोन पेयर थोड़ा दूर दूर हो जाएंगे ना एटम्स के, लेकिन अगर बॉन्ड लेंथ छोटा होगा तो लोन पेयर पास हो जाएंगे, लोन पेयर पास होंगे तो रिपल्शन होगा, अगर लोन पेयर में रिपल्शन होगा तो एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी तो ये बॉन्ड्स वीक हो जाएंगे, बॉन्ड वीक होंगे तो फिर उसको ब्रेक करने के लिए कम ही एनर्जी देनी पड़ेगी, दैट इज ऑल। ठीक है ना, तो अपन ऐसे कुछ लिखते हैं द स्ट्रक्चर ऑफ सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, स्ट्रक्चर ऑफ सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स। मैं कुछ कंपाउंड का स्ट्रक्चर बता रहा हूं जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैं लिखूंगा इसमें दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स में, वी कैन से दैट
बैक बॉन्डिंग कंप्लीट हो गया कंसेप्ट। बैक बॉन्डिंग में वी कैन से दैट, अच्छा पहले तो अपन बैक बॉन्डिंग पढ़ रहे थे ना, हाँ उस टाइम बैक बॉन्डिंग चल रहा था, बैक बॉन्डिंग में अपन और पढ़ सकते हैं। तो पहले बैक बॉन्डिंग ही करते हैं, उसके बाद शुरू करेंगे। अब ये क्या लिखा है, का एनर्जी, का एनर्जी क्या, का एनर्जी Cl2 और F2 के बीच कैसे आता है, किसका एनर्जी Cl2 और F2 के बीच आता है? और Br2 का, हाँ तो Br2 का उसमें अभी भी यही आ रहा है कि भाई Cl2 में ये तो बॉन्ड एनर्जी है ना, तो मैंने तो याद रखने के लिए कहा था कि इसको याद रखो, मैंने ये तो नहीं कहा था कि इसमें कोई कंसेप्ट मतलब अपन बहुत ज्यादा कंसेप्ट यूज करो, मैंने तो इसलिए बार बार आपको बता रहा हूँ कि इसका बॉन्ड एनर्जी द रीजन इज, अपन बता देंगे भाई एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है, जो एनर्जी के वैल्यूज है उनसे बता देंगे, अपन किसी को देख के थोड़ी बता सकते हैं, पहले से पता होगा तो बता सकते, नहीं तो नहीं बता सकते। और रीजन अपन दे सकते हैं क्या होगा कि इसमें लोन पे रिपल्शन ज्यादा डोमिनेट करता है। अपन ये नहीं बोल सकते कि मतलब अच्छा वो क्यों होगा, अरे भाई हमने तो ब्रेक करके देखा है एक्सपेरिमेंटली तो ऐसा आया ऑर्डर, अपन ये थोड़ी बोल रहे क्यों, तो उसको जस्टिफाई करने के लिए अपन बोल सकते हैं कि लोन पे रिपल्शन। और किसी मॉलिक्यूल को देख के थोड़ी बोल सकते हैं, अब मैं ये थोड़ी बोल सकता हूं आपको देखो भाई नाइट्रोजन नाइट्रोजन और फास्फोरस फास्फोरस, इसमें सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी इसका ज्यादा होगा इससे, तो अपन कहेंगे ये बॉन्ड लेंथ तो बड़ा है तो ज्यादा क्यों होगा, तो पहले से पता है तो कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। तो अपन ऐसा कुछ भी नहीं, और ये मैंने जानबूझ के नहीं बताया अभी कि आपको अभी मैच्योर होना है, आप लोग उतने मैच्योर नहीं हो कि सारी चीजों को एक साथ फटाफट समझ लोगे, वो धीरे धीरे होता है। मैंने बताया नहीं आपको सल्फर सल्फर का बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होता है ऑक्सीजन ऑक्सीजन से, मैंने नहीं बताया, नहीं था शीट में, मैंने बताया नहीं, क्यों नहीं बताया भाई, क्योंकि यू आर नॉट मैच्योर्ड, अभी उसको समझने के लिए आप रेडी नहीं हो, और केमिस्ट्री चाहिए उसको समझने के लिए, तो जब आप रेडी हो जाओगे मैं बताऊंगा आपको, राइट ना। तो ऐसे नहीं कि मतलब अच्छा जो आता है सब उनको दे दो, समझ में आए ना आए, इसलिए मैं तुमको कई बार बोलता हूँ वेट करो, आई विल टेल यू दैट पार्ट, अब चिंता मत करो सारा कुछ बताना मुझे, तो मैं तो खुद ही चाहता हूँ ना आपको सब पता रहे, लेकिन एक प्रॉपर टाइम पे पता रहे, उस बात को ध्यान रखो, है ना, मतलब मुझे ये सोचना पड़ता है क्या नहीं बताना है तुमको, राइट ना। तो अपन कोई प्रॉब्लम नहीं, धीरे 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 ना अपन सब समझ में आएगा अपन को क्या करना है, क्या कर रहे हो आप, ठीक है ना, लेकिन अपन प्रॉपर टाइम पे धीरे धीरे पढ़ेंगे। अब जैसे उसने याद दिलाया कि सर क्या खत्म हो गया वो बैक बॉन्डिंग वाला पार्ट, अभी खत्म नहीं हुआ, पहले बैक बॉन्डिंग वाला पार्ट थोड़ा और पढ़ेंगे। पता क्या होता है, अगर अपन ऐसे लिखे बैक बॉन्डिंग में, जैसे मान लो मैंने ऐसे लिखा, अब देखना अपन ऐसे तो पढ़ रहे थे, तो ये तो डबल बॉन्ड दो एटम के बीच में डबल बॉन्ड, और एटम जो अटैच है उसके पास नेगेटिव चार्ज है, ओके ठीक है, दो एटम के बीच में डबल बॉन्ड और एक एटम अटैच है जिस पर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, तो क्या है इससे, तो अपन कहेंगे देखो भाई दो एटम के बीच में डबल बॉन्ड और एक एटम जो अटैच्ड है उसके पास नेगेटिव चार्ज है, तो अब मैं नेगेटिव चार्ज बढ़ा लेता हूं, चलो देखते हैं क्या बताना चाहते हो। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं ना, तो देखो अपन को ऐसे करना चाहिए, कार्बन है, एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है, डबल बॉन्ड है, एक हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है ना, आप क्या करोगे ये डबल बॉन्ड और ये नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज हो सकता है, इसमें तो रेजोनेंस पे होगा, बताए इधर डबल बॉन्ड बना के इस पे नेगेटिव चार्ज बना लो, ये अलग अलग एटम है लेकिन बनेंगे, तो उससे फायदा क्या, अपन कहेंगे अगर मैं इसमें चेक करूं कि इसके पास कितने सिग्मा बॉन्ड, तो तीन sp2, इसमें चेक करूं कितने सिग्मा बॉन्ड अराउंड, थ्री तो sp2, इसमें एक बॉन्डेड पेयर है, तीन नॉन बॉन्डेड पेयर है, मतलब चार, तो sp3, ये लो भाई। तो अब क्या, तो अपन कहेंगे देखो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, इसको मैं डिलोकलाइज करके ऐसे भी लिख सकता हूं, अच्छा ये अपन पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं ऐसे है? वो क्रॉस करके ऐसे ना, अपन को पता है वो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, तो आप क्या करोगे कि यहां से मैंने ऐसे तो बना लिया, अब ये ऑक्सीजन है, तो पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन जब जैसे जैसे इसका एक इलेक्ट्रॉन लेके इसको दोगे ना,
तो साइमल्टेनियसली ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन तो इसी का, उसी को तो कंजुगेशन कहते हैं, उसी को तो रेजोनेंस फिनोमेना हमें पढ़ा अपन ने। तो यहां पर अपन नेगेटिव चार्ज बना लेंगे क्योंकि इसको ये वाला इलेक्ट्रॉन मिलेगा, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज लाओगे, इसकी इस इलेक्ट्रॉन लिया तो अपन कहेंगे अपन ने एक इलेक्ट्रॉन दिया भी तो है बदले में इसको। अच्छा, तो यहां पर आप डबल बॉन्ड बनाने वाले, तो मेरे पास ये बचा, ये ऐसे बन गया, बिल्कुल दोनों में नंबर ऑफ बॉन्ड सेम है, चार्ज सेम है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। आप देखो तीन पेयर इधर थे, तीन पेयर उसमें भी है, बस यहां पर पेयर बन गया। तो इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में दोनों की एनर्जी सेम होगी, तो अपन कहेंगे इसमें कैसे हो सकती है सेम, भाई इसमें तो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे है और इसमें नेगेटिव चार्ज कार्बन पे है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है, मतलब ये ज्यादा स्टेबल है उससे, दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, दोनों में मिक्सिंग बताया आपने, जैसे डिलोकलाइजेशन बता रहे थे कार्बोनेटाइन में, सल्फेटाइन में, सब में, इसमें भी बता सकता हूं। आपने यही तो कहा था, आपने ये कभी नहीं कहा कि भाई दोनों कौन से एटम के बीच में डबल बॉन्ड, आपने तो ये कहा किसी दो एटम के बीच में डबल बॉन्ड, उनसे जो एटम अटैच हो उसके पास अगर नेगेटिव चार्ज है तो आप उसको डिलोकलाइज कर सकते हो। मैंने डिलोकलाइज कर दिया और डिलोकलाइज करके ऐसे बॉन्ड बनाया, ये पहले से था उसके पास, इसको पाई बॉन्ड मान लेता हूं क्योंकि पाई बॉन्ड ही शिफ्ट होता है, तो मैं कहूंगा यहां पर पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन आया नेगेटिव चार्ज, यहां पर मैं क्या लिखूंगा ये नाइट्रोजन है, और आप यहां पर एक बॉन्ड बनाओगे जिससे आप ये बना रहे ऑक्सीजन, इसके बीच में डबल बॉन्ड बन गया, तो मेरे पास एक दो लोन पेयर बचे इसके पास। अब मैं ये बोल सकता हूं कि इन दोनों की स्टेबिलिटी सेम है, व्हाट इज सो, नेगेटिव चार्ज एक ही टाइप के एटम पे, इन दोनों में नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी सेम है, दोनों स्ट्रक्चर की भी स्टेबिलिटी सेम है, व्हाट इज सो, नेगेटिव चार्ज सेम टाइप के एटम पे, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन ऑक्सीजन में ही है, सब कुछ एक जैसा है, देन दे आर इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर, इसमें एक जैसा है स्टेबिलिटी, इसमें एक जैसा स्टेबिलिटी नहीं बोल सकता, इसमें मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी ज्यादा है इस मॉलिक्यूल से, लेकिन डीलोकलाइजेशन तो है, है, तो अपन कहेंगे ठीक है, अब क्या लिखें इसमें, तो अपन कहेंगे देखो अगर इस मॉलिक्यूल में जैसे आपने लिखा इसके लिए हाइब्रिडाइजेशन मैंने लिखे, तो बताओ अगर ये डीलोकलाइज हो गया तो क्या हाइब्रिडाइजेशन, तो अपन कहेंगे लो भाई ये sp2, ये sp2 और ये sp3, ये तो चेंज हो गया, क्यों, क्योंकि आपने अब ऐसे बना दिया, उसका स्ट्रक्चर ऐसे है, कार्बन है, इसके दो हाइड्रोजन है, यहां पर आपने एक नेगेटिव चार्ज लिखा हुआ है, यहां पर कार्बन है, इससे एक हाइड्रोजन अटैच्ड है, अब डबल बॉन्ड है और दो लोन पेयर है, तो एक दो तीन, तीन सिग्मा बॉन्ड sp2, एक दो तीन, तीन सिग्मा बॉन्ड sp2, एक दो तीन चार, चार सिग्मा बॉन्ड sp2, sp3, तो ये sp3 लिख दिया मैंने, तो अपन कहेंगे आप कभी बोलते हो ये sp2 है, कभी बोलते हो आपकी sp3 है, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा करना क्या है, तो अपन कहेंगे देखो भाई आपने साफ साफ सेंटेंस लिखा था एक बार जब हाइब्रिडाइजेशन बताया था कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड अराउंड द सेंट्रल एटम काउंट वन लोन पेयर एज वन सिग्मा बॉन्ड, बट इफ द लोन पेयर इज इन कॉन्जुगेशन, अगर कोई पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन हो रहा है तो उसको सिग्मा बॉन्ड काउंट नहीं करना, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटली तो है, वो क्यों नहीं करना काउंट, क्योंकि वो वाला बॉन्ड, वो वाला लोन पेयर जो ऐसे डीलोकलाइजेशन में जा रहा होगा वो तो पाई इलेक्ट्रॉन बना रहा होगा, मतलब दैट लोन पेयर विच इज इन्वॉल्व इन कॉन्जुगेशन उसको मैं सिग्मा बॉन्ड जैसे काउंट नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकते, तो फिर मैं क्या करूं, तो मैं कहूंगा भाई यहां पर आप चार लोन पेयर ने, तीन लोन पेयर काउंट नहीं कर सकते, आप चार बॉन्ड काउंट नहीं कर सकते, इसमें से एक लोन पेयर कॉन्जुगेशन में है और एक ही हो सकता है कॉन्जुगेशन, किसी भी एटम के पास कितने भी लोन पेयर हो फर्क नहीं पड़ता, एक ही होगा कॉन्जुगेशन में, क्योंकि एक ही ऑर्बिटल हो सकता है ना प्लेन में, दूसरे ऑर्बिटल के सारे थोड़ी हो सकते हैं एक ही प्लेन में, एक पीएक्स में होगा, एक पीवाई में होगा, एक पीजेड में है, तो अगर पीएक्स वाला प्लेन में है तो वाई और जेड नहीं हो सकते, तो कितना भी लोन पेयर हो हमें फर्क नहीं पड़ता कॉन्जुगेशन में एक ही जाएगा, तो अगर वहां पर कोई लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में है तो वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को आप हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि वो पाई बॉन्ड जैसे बिहेव कर रहा होगा, वो पाई बॉन्ड बना रहा होगा डीलोकलाइज होकर, इसलिए अपन उसे उसमें काउंट नहीं करेंगे, तो फिर क्या करें, तो अपन कहेंगे इसमें से एक लोन पेयर डीलोकलाइजेशन में, इसलिए ये भी sp3, ये भी sp2, ये भी sp2 और ये भी sp2, सारे के सारे sp2, व्हाट इज सो, क्योंकि इसका एक लोन पेयर तो पाई बॉन्ड जैसे बिहेव कर रहा होगा,
तो फिर ये sp3, ये sp3 कैसे हो सकता है, ये तो खुद ही पाई बॉन्ड से बना हुआ है, वापस बनेगा ना ऐसे, ये वापस इधर शिफ्ट होगा तो ये इधर शिफ्ट होगा, मतलब दैट इज ऑल्सो अ पाई, ये भी जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप बना रहे हो पाई बॉन्ड बनाएगा, और बना ही पाई बॉन्ड से, हाइब्रिडाइजेशन तो कभी बता ही नहीं सकता पाई बॉन्ड के बारे में कुछ, ठीक है। इसका मतलब है मैं यहां पर जो मुझे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, एक बॉन्डेड पेयर और तीन, एक बॉन्डेड पेयर और तीन लोन पेयर, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या लिखूं, तो कहेंगे sp2 लिखो, क्योंकि एक लोन पेयर तो कॉन्जुगेशन में जाने वाला है, और कॉन्जुगेशन में जाने वाले इलेक्ट्रॉन कभी भी हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं होता, वो तो पाई इलेक्ट्रॉन जैसे होंगे, तो पाई इलेक्ट्रॉन से बना हाइब्रिडाइजेशन से बता ही नहीं सकते, got it ना? So that means that अपन से एक क्वेश्चन आया है, that means hybridization does not change in resonating structures, no change, जो फिक्स है वो रहेगा, क्योंकि resonating structures में किसका delocalization होता है, pi bond का, और hybridization में अपन क्या count करते हैं, sigma bond, तो sigma bond का तो delocalization हो गई नहीं, बस हमें एक बात ध्यान रखना है, जो lone pair या negative charge conjugation में जाएगा, उसका pair of electron hybridization में count नहीं होगा। भाई यहां तो आप पहले इस पाई बॉन्ड को काउंट नहीं कर रहे थे, ये वाले पाई बॉन्ड को थोड़ी काउंट कर रहे थे, पर तो एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, sp2, तो अपन वाला पाई, वो तो पाई बॉन्ड है, अपन को पहले से पता है, उसको क्यों काउंट करें, और डिलोकलाइजेशन होगा तो पाई बॉन्ड का डिलोकलाइजेशन होता है, सिग्मा बॉन्ड के पोजिशन कभी चेंज नहीं होते रेजोनेंटिंग स्ट्रक्चर्स में, ये भी sp2, ये भी sp2, और ये भी sp2, अपन कहेंगे अच्छा ये sp2 क्यों, इसके अराउंड तो मुझे दो ही दिख रहे हैं, अरे भाई तो उसके लोन पेयर मत भूलो, नाइट्रोजन के पांच वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये थोड़ी कॉन्जुगेशन है, कॉन्जुगेशन तो नेगेटिव चार्ज और डबल बॉन्ड का है, उसको थोड़ी बोलेंगे अपन, तो ठीक है भाई उसको नहीं बोलेंगे, तो एक लोन पेयर जो कॉन्जुगेशन में नहीं उसको तो काउंट करो, एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर वाला जो कॉन्जुगेशन में नहीं है नाइट्रोजन पे, वो sp2, मतलब ऑल एटम्स आर sp2, उधर भी ऑल एटम्स आर sp2 NO2। तो अगर कोई लोन पेयर कॉन्जुगेशन में जाता है तो उसे हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करना, अपने कॉन्जुगेशन क्या, दैट इज मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल, सो मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल आपने भी तो यही कहा था कि बोरॉन और फ्लोरीन में, आपने यही कहा था कि भाई इसके पास बोरॉन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल है, फ्लोरीन के पास लोन पेयर है, तो इसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा, तो अपन कहेंगे इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो पाई बॉन्ड बनेगा, हम तो पहले भी काउंट नहीं कर रहे थे पाई बॉन्ड जब बैक बॉन्डिंग लिखा था। अगर सेंट्रल एटम का लोन पेयर कहीं जाता, अगर सेंट्रल एटम मतलब तो किसी एटम का लोन पेयर जाए जिसका अपन हाइब्रिडाइजेशन काउंट कर रहे हैं, उसका लोन पेयर अगर डिस्टर्ब हो, पाई बॉन्ड बनाए, तो फिर अपन को उसका हाइब्रिडाइजेशन चेंज करना पड़ेगा। जैसे अपन ने क्या किया, भाई मेरे पास नाइट्रोजन है, अपन एक स्ट्रक्चर लिख लेते हैं ऐसे, और देखते हैं अपन उसमें स्ट्रक्चर में, मैं तुमसे एक स्ट्रक्चर पूछता हूं फिर तुम मुझे बता दो, मेरे पास ऐसे के बने, मेरी मर्जी, ये मतलब ऐसे CH3 के बने, ये CH3 के बने, ये भी CH3 के बने, ये मुझे नाइट्रोजन के बने, ये डबल बॉन्ड के बने, ये डबल बॉन्ड। अब मैंने आपसे कहा कि एक बार मैंने मतलब मैं तो कुछ भी पूछ सकता हूं ऊपर ऐसे कि भाई बताओ कितने सिग्मा बॉन्ड है इस मॉलिक्यूल में, तो अपन कितने सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे इस मॉलिक्यूल, सिग्मा बॉन्ड भी काउंट कर सकते हैं, तो अपन क्या करेंगे, एक दो तीन चार पांच छह, और हर एक कार्बन का तीन हाइड्रोजन के साथ, तो अपन ने कितने काउंट कर लिए थे अब तक, इधर सिक्स हो गए थे, फिर एक कार्बन में तीन ये हो गए, तीन ये हो गए, तीन ये हो गए, नाइन, सिक्स प्लस नाइन कितने हो गए, फिफ्टीन हो गए, मतलब टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन दिस मॉलिक्यूल इज 15, अपन को किसी को डाउट नहीं। अब अपन कहेंगे ठीक है अच्छा सबका हाइब्रिडाइजेशन बताओ, तो अपन कहेंगे भाई लोन पेयर वगैरह लिख लो पहले आप, ये लोन पेयर, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बताएं, तो अपन कहेंगे हाइब्रिडाइजेशन बताना है तो इसका तो मैं बता सकता हूँ sp3, यहाँ कोई कॉन्जुगेशन नहीं, लोन पेयर है ही नहीं तो क्या करूंगा, लोन पेयर अपन को कहां दिख रहा है, यहां पर, यहां कोई कॉन्जुगेशन होगा नहीं, वहां तो पहले से डबल बॉन्ड है, तो अपन कहेंगे देखो सिलिकॉन में ना आपने प्लास्टिक बताया था साइलेन में कि सिलिकॉन के पास डी ऑर्बिटल, एम्प्टी डी ऑर्बिटल होता है, एम्प्टी डी ऑर्बिटल होता है,
और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास क्या है लोन पेयर, तो वहां पर बैकबॉन्डिंग हो सकता है। तो अगर बैकबॉन्डिंग नहीं हो रहा होता तो अपन ऐसे बनाते, ये CH3 था, ये CH3 था, और इधर भी CH3 था, ये सिलिकॉन था, ये CH3 था, अपन कहते हैं इधर नाइट्रोजन है, इधर डबल बॉन्ड है, इधर एक लोन पेयर है, वो कॉन्जुगेशन में अगर नहीं है तो इधर ये लोन पेयर में नहीं, कॉन्जुगेशन में नहीं है, तो ये sp2 है, ये sp हो गया, ये sp2 हो गया, और ये sp3 हो गया, ये हो गया। तो जब भी अपने पास ना एम्प्टी ऑर्बिटल होगा एडजेसेंट एटम पे, अगर साइड वाले एटम पे एम्प्टी ऑर्बिटल है तो मिक्सिंग होगा, दैट मिक्सिंग इज कॉल्ड बैकबॉन्डिंग। अब अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे देखो भाई इसके पास ना डी ऑर्बिटल है, एम्प्टी डी ऑर्बिटल, तो मैं वही बात कर रहा था कि इसके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल है, तो फिर इसके लोन पेयर जिसको अपन सिग्मा बॉन्ड जैसे काउंट कर रहे थे, एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा, अगर इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है तो इसको मैं ओवरलैप करूंगा ये ऑर्बिटल, अगर ये ऑर्बिटल ओवरलैप किया तो सिग्मा तो पहले से था, ये क्या बनाएगा पाई बॉन्ड, मतलब वो ऑर्बिटल का जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो पाई बॉन्ड जैसे बिहेव करेगा, फिर अगर वो पाई बॉन्ड जैसे बिहेव करेगा फिर तो मुझे इसको सिग्मा बॉन्ड काउंट नहीं करना चाहिए, अगर सिग्मा बॉन्ड काउंट नहीं करना चाहिए तो फिर ये sp2 नहीं होगा, ये सिर्फ sp होगा, क्यों, एक सिग्मा बॉन्ड इधर और एक सिग्मा बॉन्ड इधर, जो लोन पेयर सिग्मा बॉन्ड काउंट कर रहे थे वो तो इसके एम्प्टी ऑर्बिटल से क्या बना रहा है पाई बॉन्ड। तो हमेशा क्या होगा, और मैंने शुरुआत भी कहां से किया था आपको याद है, एक और दो, दो एटम के बीच में बॉन्ड है, एक के पास एम्प्टी ऑर्बिटल है और दूसरे के पास लोन पेयर है, हमेशा इनपे ओवरलैपिंग होगा, बस ऑर्बिटल शुड बी इन द सेम प्लेन बिकॉज मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल इज एक्सोथर्मिक फिनोमेना। अगर एक एटम है उसके पास लोन पेयर है और दूसरे एटम के पास एम्प्टी ऑर्बिटल है तो अपन क्या करेंगे, उसमें ऑर्बिटल ओवरलैपिंग होगी बिकॉज बस उनको एक ही प्लेन में होना चाहिए बिकॉज मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल इज अ एक्सोथर्मिक फिनोमेना। ठीक, मतलब मुझे कॉन्जुगेशन वाले नेगेटिव चार्ज को हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करना है, उसके लोन पेयर को हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करना है, नहीं करेंगे। इधर भी ये हो जाएगा भाई, अब तो यहां पर क्या करेंगे, अपन तो कहेंगे भाई इधर दो एक तीन, लेकिन ये तो कॉन्जुगेशन में जा सकता है, तब तो ये sp2 होगा, ये भी sp2 होगा, और ये क्या हो जाएगा sp2 हो जाएगा, इसको देखना पड़ेगा मुझे अभी, नाइट्रोजन के एक दो तीन चार, एक लोन पेयर भी है इसके पास क्योंकि एक नेगेटिव चार्ज के लिए तो अपने वो लिखा हुआ है, तो फिर दो लोन पेयर है तो अपन को पता है अगर किसी के पास एक से ज्यादा लोन पेयर है कॉन्जुगेशन में सिर्फ ही जा सकता है, इसके पास आपने दो बनाए थे, इसका मतलब है एक लोन पेयर ऐसा है जो कॉन्जुगेशन में नहीं जाएगा, ये भी sp2, आपने बताया था कि अगर एक के किसी भी एटम के पास एक से ज्यादा लोन पेयर भी है फर्क नहीं पड़ता, कॉन्जुगेशन में तो एक ही जाएगा बस, जो उस ऑर्बिटल के प्लेन में होगा, राइट। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज का लोन पेयर जो कॉन्जुगेशन में होगा उसको अपन हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं कर सकते, अगर कोई लोन पेयर वाले एटम के साइड में एडजेसेंट में कोई ऐसा एटम प्रेजेंट है जिसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है तो उसका उस पे ओवरलैपिंग 100% होगा। चलो चेक करते हैं, तो मेरे ख्याल से इससे अपन काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, तुमको अब डाउट नहीं होगा और आप एक बार रिवाइज भी कर लेना। अब अपन कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे कि अपन स्ट्रक्चर की बात करें और पढ़ते हैं स्ट्रक्चर्स कैसे बनाने हैं। पहले अपन BeCl2 के स्ट्रक्चर से शुरू करते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल होगा BeCl2। एक्चुअली BeCl2 जो होता है राइट ना, BeCl2 एग्जिस्ट एज अ पॉलीमर, सॉलिड में वो पॉलीमर होता है, अप टू 1200 केल्विन इट एग्जिस्ट एज अ डाइमर,
डाइमर का मतलब है दो मॉलिक्यूल आपस में बॉन्डेड होंगे अबव 1200 केल्विन. इट एग्जिस्ट एज BeCl2 गैस. अगर मुझसे पूछा गया BeCl2 का स्ट्रक्चर बनाओ तो मैं उसे गैसियस स्टेट में अज्यूम करके बना दूंगा. आपको लिखना पड़ेगा सॉलिड स्टेट में क्या, सॉलिड में बताना है मुझे, लिक्विड में बताना है मुझे, या मतलब डाइमर जैसे एग्जिस्ट करेगा लिक्विड में, गैसियस स्टेट में बताना है मुझे. वो अपन को बताएंगे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि अपन को इसमें फिजिकल स्टेट का पता होना चाहिए. अपन क्या करेंगे, इसका स्ट्रक्चर ऐसे होगा, BeCl2 ऐसे लीनियर स्ट्रक्चर बनाता है. BeCl2 पर ऐसे लीनियर स्ट्रक्चर बना लेंगे. पहले अपन सॉलिड के स्ट्रक्चर बना रहे हैं BeCl2 पे. अब अगर अपन BeCl2 को देखें तो बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 बेरिलियम ना और 2p0. दो सीएल है तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा. ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के हिसाब से मुझे ऐसे लिखना चाहिए. ये दो बॉन्ड बना सकता है और इसके पास दो एम्प्टी ऑर्बिटल्स. दो बॉन्ड बना दिए, दो एम्प्टी पी ऑर्बिटल्स पड़े हुए हैं इसके पास. तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे इसके पास लोन पेयर है तो इसके लोन पेयर से इसका एक एम्प्टी ऑर्बिटल में अपन ऐसे बॉन्ड बना देते हैं. एक एम्प्टी ऑर्बिटल में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया हमने. ये दोनों सीएल तो इधर एक सीएल का बॉन्ड, इधर एक सीएल का बॉन्ड, एसपी हाइब्रिडाइज्ड. अब दो खाली ऑर्बिटल जो है ना उसमें एक एम्प्टी ऑर्बिटल से इधर बना देता हूं इसमें, तो दूसरे वाले में मैं यहां से बना दूंगा हर एक बी के साथ. तो इसके लिए भी बना देता हूं और यहां से यह बना दूंगा. इसके पास दो एम्प्टी ऑर्बिटल है तो मैंने दो तरफ से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिए, दो तरफ से कोवेलेंट बॉन्ड. ये दो कोवेलेंट बॉन्ड है, दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है हर एक मॉलिक्यूल से बना. दैट्स अ पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर. ये इसका स्ट्रक्चर. तो सॉलिड स्टेट में हाइब्रिडाइजेशन तो अपन काउंट करेंगे बेरिलियम क्लोराइड के चारों तरफ कितने बॉन्ड्स हैं, चार बॉन्ड है sp3 हाइब्रिडाइज्ड. ये है sp3, मतलब इसमें सॉलिड स्टेटमेंट इज sp3. इन लिक्विड इट एग्जिस्ट एज अ डाइमर, तो डाइमर में वो ऐसे होता है इन केस ऑफ डाइमर बेरिलियम ना, इन केस ऑफ डाइमर इट विल बी लाइक दिस. मतलब फिर इसमें एक ही इधर वाला एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, इधर वाला एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा. तो डाइमर में बस ऐसे एग्जिस्ट करेगा क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो काफी सारे बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, वो डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. और अगर 1200 से भी ज्यादा होगा तो ये वाले बॉन्ड भी ब्रेक कर जाएंगे और ब्रेक करने के बाद विल गेट अ लीनियर शेप लाइक दिस, देन विल हैव लाइक. और इसमें ऑब्वियस सी बात है दो एम्प्टी ऑर्बिटल होंगे तभी वो लीनियर शेप में स्टेबल हो रहा है. यस, तो अपन बता सकते हैं कि भाई अप टू 1200 केल्विन, अबव 1200 केल्विन वी कैन राइट लाइक दैट. 1200 पे वो लिक्विड जैसे एग्जिस्ट करता है, अबव 1200 इट विल कन्वर्ट इनटू गैसियस स्टेट. सब ऐसे बता सकते हैं. इसमें ये sp हाइब्रिडाइज्ड होता है, इधर ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है बिकॉज़ इसके अराउंड 3 सिग्मा बॉन्ड है. सो वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और सॉलिड स्टेट में sp3 हाइब्रिडाइज्ड. सो एट टेंपरेचर लोअर देन 1200 इट विल एग्जिस्ट एज अ dimer, that will be a up to 1200 Kelvin it will exist as a liquid and it will start melting kyunki polymer hai, it will start melting above 700 degree centigrade. Matlab it will be around 1000 ke aspas wo melt hona shuru ho jata hai. That is, lekin jo temperature maine aapko mention kiya hai wo temperature aapko yaad hona chahiye acche se. Dusra structure I will write that AlCl3. AlCl3 लिखूंगा तो it exists as a dimer. But BCl3 doesn't exist as a dimer. Doesn't form a dimer. B
CL3 doesn't form a dimer. चलो देखते हैं क्या प्रॉब्लम है. AlCl3 exists like this. AlCl3 तो वैसे तो अपन को देखेंगे तो अपन को लगेगा अच्छा AlCl3 it should be like this, है ना? इसको ऐसे होना चाहिए. AlCl3 should be like this. This is AlCl3. This is the empty orbital. sp2 hybridized होना चाहिए. But it exists as dimer. क्यों? क्योंकि इसके पास लोन पेयर है और लोन पेयर होगा तो ये इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं होता है. डू नॉट ओवरलैप. डू नॉट ओवरलैप. इसको थोड़ा अपन हटाते हैं. डू नॉट ओवरलैप ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ Cl एंड Al एंड Al. दोनों का साइज बड़ा है ना, एल्यूमिनियम का भी और Cl का भी. तो इसका Al का एम्प्टी ऑर्बिटल और Cl का भी साइज बड़ा है तो इसका लोन पेयर. तो इस केस में क्या होगा, ये यहां और ये यहां, तो ओवरलैपिंग इफेक्टिव नहीं होता. तो फिर ये ऐसे एग्जिस्ट करता है. सो exist as Al is a Cl. Here it will be another Cl. इधर एक Cl होगा, right? इधर एक दूसरा Cl होगा. दूसरा जो Cl Al है, इधर एक और Cl बनाता हूं मैं, एक और Cl बनाऊंगा और इसका Cl इधर ऐसे बनाऊंगा. इसके पास लोन पेयर है, राइट? सीएल के पास लोन पेयर है और इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है. ऑब्वियस सी बात है, एएल में एक एम्प्टी ऑर्बिटल होता है. तो इसका बैक बॉन्डिंग ना होने की वजह से ये अपना लोन पेयर इसके एम्प्टी ऑर्बिटल में देगा और ये अपना लोन पेयर इसके एम्प्टी ऑर्बिटल में डोनेट करेगा. ये अपना लोन पेयर इसके एम्प्टी ऑर्बिटल में डोनेट करेगा और ये अपना लोन पेयर इसके एम्प्टी ऑर्बिटल में डोनेट करेगा. तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, इसके अराउंड कितने बॉन्ड्स हैं? चार. sp3 हाइब्रिडाइजेशन, मतलब एल्यूमिनियम का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा इसमें डाइमर में, दैट विल बी कितने बॉन्ड्स हैं अराउंड द सेंटर मैट. ये चारों सीएल एक ही प्लेन में लाई करेंगे और जो बीच में सीएल प्रेजेंट है वो परपेंडिकुलर टू द These 4 Cl, मतलब 4 Cl एक ही प्लेन में है जो टर्मिनल वाले हैं और 2 Cl एक ऊपर की तरफ होगा एक नीचे की तरफ होगा. तो 6 atoms, मतलब ये दोनों Cl और ये दोनों Cl और ये एल्यूमिनियम, दे आर इन द सेम प्लेन और ये Cl ऊपर की तरफ है और वो Cl एक Cl नीचे की तरफ है, एक बॉटम की तरफ है और चारों एक ही प्लेन में लाई करते हैं. बाकी दैट इज हाउ द स्ट्रक्चर है. AlCl3 exists as a dimer because it cannot show back bonding. आएगा तो अपन रीजन बता दें, बॉन्ड लेंथ ज्यादा होने की वजह से वो बैक बॉन्डिंग शो नहीं कर पाएगा. तो अपन ने क्या किया, इसमें भी एम्प्टी ऑर्बिटल है और उसमें भी एम्प्टी ऑर्बिटल है. तो इसके एम्प्टी ऑर्बिटल में ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, दे बिकम स्टेबल, राइट? लेकिन जो स्ट्रक्चर है वो कैसे है, तो अपन ने अज्यूम कर लिया कि मान लेते हैं अपन ऐसे कि एक एल्यूमिनियम इधर है, एक एल्यूमिनियम इधर है, तो ये 4 Cl हो गए जो बाहर है. तो इधर एक एल्यूमिनियम है, एक एल्यूमिनियम इधर है, तो बाकी 2 Cl एक बाहर की तरफ होगा एक अंदर की तरफ होगा. तो मैंने आपको ऐसे बताया, 4 Cl इधर कॉर्नर पे है, इधर एक सीएल है, इधर एक सीएल है, तो एक सीएल ऊपर लाई करेगा और एक सीएल नीचे लाई करेगा जो दोनों एल्यूमिनियम के बीच में ब्रिज है. तो अपन इनको बोलते हैं ब्रिज क्लोरीन एटम्स. ये वाला ब्रिज क्लोरीन एटम्स जो इन दोनों एल्यूमिनियम के बीच में ब्रिज बना रहे, देन इट इज कॉल्ड ब्रिज क्लोरीन एटम्स. सो देयर आर 2 ब्रिज क्लोरीन एटम्स. ठीक है, वी गॉट दैट कि अपन को कैसे बताना है, राइट?
AlCl3 में क्या हुआ, अगर AlCl3 होता तो लग तो रहा है अपन को क्या होना चाहिए, sp2 hybridized, but it exists as a dimer, so it will be sp3 hybridized. तो फिर बोरोन के पास भी तो एम्प्टी ऑर्बिटल होता है भाई, बोरोन के पास भी एम्प्टी ऑर्बिटल होता है, आप बोरोन को भी बता दो तो अपन कहेंगे बोरोन में ना आपने पढ़ा हुआ है कि बोरोन में बैक बॉन्डिंग होता है, बोरोन का साइज छोटा है और सीएल का भी साइज छोटा है, बोरोन का जो एम्प्टी ऑर्बिटल होगा और सीएल का जो लोन पेयर होगा ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ बी, साइज ऑफ बी, बोरोन का साइज छोटा होने की वजह से बॉन्ड लेंथ छोटा हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ छोटा होगा तो ये इजीली इस पर ओवरलैप कर सकता है, ये BCl3 का स्ट्रक्चर, अगर ये इस पर ओवरलैप कर सकता है तो फिर दिस विल फील कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, ये ओवरलैप नहीं हो रहा था तो दिस डजंट फील कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, तो उसने दूसरे मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन ले लिया, लेकिन बोरॉन में तो बैक बॉन्डिंग होता है तो फिर इट विल फील कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, और अगर उसका ऑक्टेट कंप्लीट है तो बाकी दूसरे मॉलिक्यूल से क्यों लेगा वो, तो विद इन द मॉलिक्यूल वहां कंजुगेशन है बोरॉन, देयर इज बैक बॉन्डिंग, तो बॉन्ड लेंथ छोटा है तो यहां बैक बॉन्डिंग हो जाएगा, सो BCl3 doesn't exist as a dimer, but AlCl3 exists as a dimer because Al और Cl में bond length ज़्यादा होता है. That is how we can write for AlCl3. Similarly, we can write for BCl3. Sir, AlCl3 वाला method है ये लिख रहे हैं. ठीक है, वो नहीं हटा. चिंता मत करो, मैं एक-एक ही हटाऊंगा. कोई problem नहीं, मुझे पता है, हम लिख लेंगे. Third, we can write that structure of B2H6. ये अपने के काफी important structure होता है. B2H6. ये सारे स्ट्रक्चर्स जो मैं आपको बता रहा हूं, ये आपको सारे स्ट्रक्चर्स याद रखने हैं. ये ऐसे अपन से एक्सप्लेनेशन स्कूल में पूछ सकते हैं उसका, है वो स्कूल के एक्सप्लेनेशन की वजह से मैंने वैसे लिख दिया क्वेश्चन जैसे. अब अपन स्ट्रक्चर ऑफ B2H6 की बात करते हैं. इट इज अ डाइमर ऑफ BH3. BH3 इज अनस्टेबल. डाइमर मींस जो मॉलिक्यूल में, मतलब ऐसे एक ऑक्सीजन एटम है, लो डाइमर ऑफ ऑक्सीजन एटम, दो ऑक्सीजन एटम, ट्राइमर ऑफ ऑक्सीजन एटम, लो तो क्या बोल देंगे, ये ओजोन है, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन एटम, ठीक है ना. तो अपन क्या करेंगे, डाइमर अगर BH3 का है तो BH3 में बोरोन तो एम्प्टी ऑर्बिटल होता है बोरोन के पास, और तीन हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के पास लोन पेयर नहीं होता, तो बैक बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है इसमें, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं. अगर बैक बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है तो फिर भी वो एग्जिस्ट करने के लिए कुछ ना कुछ तो करेगा, और B2H6 एग्जिस्ट करता है, B2H6 बोरोन हाइड्राइड होता है और वो एग्जिस्ट करता है, और एग्जिस्ट करेगा तो देखते हैं कैसे एग्जिस्ट करेगा. बोरोन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल है, वी नो दैट. मेरे पास एक बोरोन होगा और बोरोन के, हर एक बोरोन के पास तीन हाइड्रोजन एटम्स है, मैंने ये लिखा, बोरोन के तीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये तीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसके, और हर एक बोरोन के पास तीन हाइड्रोजन एटम्स हो. मेरे पास एक और बोरोन है,
ये एक हाइड्रोजन उसका, ये एक हाइड्रोजन उसका और ये एक हाइड्रोजन उसका। इसके पास भी तीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे और मैंने तीन बॉन्ड लिखे। अब बोरोन में क्या होता है, देयर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्डिंग। मतलब क्या होगा, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, ये भी हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है, तो ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को मतलब बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बोरोन के एम्प्टी ऑर्बिटल में कोऑर्डिनेट बॉन्ड जैसे बना देगा। यहां भी इसके बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड जैसे बना देगा। मतलब यहां पर जो बोरोन का क्लाउड बन रहा है, एक हाइड्रोजन तो इधर था, एक हाइड्रोजन इधर था और बोरोन का एक और हाइड्रोजन इधर है, बोरोन का एक और हाइड्रोजन इधर है, एक और हाइड्रोजन इधर है, एक हाइड्रोजन इधर है बोरोन का, और इधर जो हाइड्रोजन एटम है इसके जो दो इलेक्ट्रॉन थे ना, एक बोरोन का एक हाइड्रोजन का, इधर भी जो हाइड्रोजन है ना ये वाला, एक हाइड्रोजन बोरोन, एक इलेक्ट्रॉन बोरोन का था और एक हाइड्रोजन का, वो इस इलेक्ट्रॉन को इसका ऑर्बिटल भी शेयर कर रहा है और इसका ऑर्बिटल भी शेयर कर रहा है। मतलब दो इलेक्ट्रॉन से तीन एटम बॉन्डेड होते हैं BH3 में, इधर वाला BH3, इधर वाला BH3, इसके एक BH बॉन्ड को इसके एम्प्टी ऑर्बिटल में ओवरलैप करेगा, इसके जो ये वाला BH बॉन्ड था इसी बॉन्ड से इसके एम्प्टी ऑर्बिटल में ओवरलैप करते हैं। तो यहां पर अपन ऐसे बॉन्ड बना लेते हैं और यहां पर अपन कोऑर्डिनेट बॉन्ड जैसे शो कर देते हैं। यहां पर एक बॉन्ड बना था लेकिन इसी इलेक्ट्रॉन को वो इसके एम्प्टी ऑर्बिटल में भी शेयर करता है, ऐसे होता है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, ब्रिज बॉन्ड बोलते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपन थोड़ा ऐसे दिखा भी देते हैं कि भाई ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे ना ब्रिज बॉन्ड है और ये ऐसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिखा देते हैं। तो ये थोड़ा बनाना जैसे लगता है, तो कभी कभी इसको बनाना बॉन्ड भी बोलते हैं, बनाना बॉन्ड भी बोलते थे कि दिस इज अ बनाना बॉन्ड। स्ट्रक्चर वैसे ही होगा। मतलब यहां पर थोड़ा सा अपन को ऑड लग रहा है कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, हम तो आज तक यही पढ़ते आए कि एक हाइड्रोजन होता है, एक क्लोरीन होता है और इसका इलेक्ट्रॉन और ये ऐसे बन जाए, दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो एटम बॉन्डेड होते हैं। भाई दो इलेक्ट्रॉन एटम से दो ही एटम बॉन्डेड होते हैं बस। भाई एक इसका न्यूक्लियस सेंटर हो गया, एक इसका न्यूक्लियस सेंटर हो गया, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, दो एटम के अगर इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को आपस में बॉन्डेड करना है तो दो इलेक्ट्रॉन चाहिए। यहां तो तीन बॉन्डेड दिखा रहे हो आप, तो B2H6 में ये इसका एक स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्डिंग होता है, तो उसमें अपन ये एग्जिस्ट करता है। तो अब इसका स्ट्रक्चर कैसे है, बिल्कुल वैसे जैसे ही है, एक दो तीन चार एक ही प्लेन में लाई करेंगे अलोंग विद बोरोन एटम, लेकिन ये दोनों एक ऊपर की तरफ लाई करेगा, एक हाइड्रोजन एटम नीचे की तरफ लाई करेगा। मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट कि भाई एक बोरोन जो है, ये बोरोन एटम और ये हाइड्रोजन एटम, दे आर इन द सेम प्लेन, बिल्कुल दे आर इन द सेम प्लेन, ये बोरोन एटम और ये हाइड्रोजन एटम, दे आर इन द सेम प्लेन, बिल्कुल सेम प्लेन। मतलब दोनों बोरोन एटम और दोनों हाइड्रोजन एटम, दे आर इन द सेम प्लेन, बिल्कुल। और यहां पर जो हाइड्रोजन एटम है वो ऊपर है, मतलब ये छह एटम जो है ना, 1 2 3 1 2 3, दे आर इन द प्लेन ऑफ द बोर्ड। तो एक एटम ऐसे होगा बाहर की तरफ, एक एटम नीचे की तरफ, ये एटम अपन ने एज्यूम कर लिया बाहर की तरफ है, तो ये एटम अपन ने एज्यूम कर लिया वो नीचे की तरफ होगा। मतलब दे विल बी परपेंडिकुलर, दीस टू हाइड्रोजन एटम, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, व्हिच विल बी परपेंडिकुलर टू ऑल दीस सिक्स एटम्स, दैट इज हाउ द स्ट्रक्चर इज। तो अपन देखेंगे, ठीक है भाई, इसके एम्प्टी ऑर्बिटल को अपन यहां जैसे आपने बनाया था उसमें, वैसे ये वाले इलेक्ट्रॉन को अपन यहां पर बना, लेकिन इसमें बॉन्डिंग अच्छा नहीं होगा क्योंकि आप दो इलेक्ट्रॉन से दो एटम अच्छे से बॉन्डेड होते हैं, लेकिन आप यहां पर दो इलेक्ट्रॉन से तीन एटम को बॉन्ड कर रहे हो। हाँ, तो इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं होगा, बस ये कहेंगे अपन, लेकिन एग्जिस्ट ऐसे ही करेगा, ठीक है, मान लिया। तो इससे हमें फायदा क्या, तो अपन कहेंगे देखो भाई, एक तो मुझे यह फायदा कि एग्जिस्ट करेगा, पहली बात। दूसरा पर ये बोल सकते हैं कि जैसे इसमें था, इसमें तो नहीं था ऐसे, इसमें तो
इधर एल्युमिनियम वाला इलेक्ट्रॉन, ये क्लोरीन वाला इलेक्ट्रॉन, इसमें पूरा एक लोन पेयर अपन इसके एम्प्टी ऑर्बिटल में दे रहे थे, तो उस टाइप का यहाँ प्रॉब्लम नहीं था। यहाँ तो मतलब आप ये एक बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन को बोरोन को दे रहे, तो अपन क्या बोलेंगे, अपन कहेंगे देखो जैसे दो एटम के न्यूक्लियस मतलब दो सेंटर को वो आपस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड करते ना, तो अपन कहेंगे दो सेंटर को अपन दो इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन आपने तो यहां तीन एटम को मतलब तीन सेंटर को, तीन एटम को दो इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड किया। तो पहला क्वेश्चन तो B2H6 में मेरे पास यही होगा, द स्ट्रक्चर हैज इट हैज थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स, टू थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स बिटवीन टू बोरोन एटम्स, बिटवीन टू बोरोन एटम क्या हो रहा है भाई, तीन एटम के सेंटर को मैंने दो ही इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड कर रखा है आपस में, राइट ना, तो उसमें अपन ने कर रखा है, लेकिन ये ऐसे एग्जिस्ट नहीं करेगा, दिस इज अनस्टेबल, हमने सिर्फ लिखा है डाइमर ऑफ ये, अभी बाकी मत सोचो आप, पहले समझ लो अच्छे से, उसके बाद मतलब जो क्वेश्चन होंगे पूछ लेना, ठीक है, बाकी तो ये देखो मैं क्या बता रहा हूं वो अपने लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो अपन कहेंगे आपने ना यहां पर दो इलेक्ट्रॉन से तीन एटम को बॉन्ड कर रखा है, अच्छा उसको बोलते हैं थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, तो थ्री सेंटर मतलब कितने एटम कितने बॉन्ड इलेक्ट्रॉन से बॉन्डेड है, तो यहां पर ऐसे बोल दूं तीन एटम चार इलेक्ट्रॉन से बॉन्डेड है, बोलो ना भाई, दो इलेक्ट्रॉन यहां से शेयर किए थे आपने, दो इलेक्ट्रॉन ये वाले और तीन एटम बॉन्ड कर रखे, ये तो नॉर्मली बॉन्ड है, नॉर्मल बॉन्ड यही तो होता है भाई, तीन एटम को बॉन्ड करना है तो बॉन्ड कर दो चार इलेक्ट्रॉन से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पर क्या हो गया, ये थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड दो होते हैं इस मॉलिक्यूल में, और ये तो टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है ना, ये बोरोन का एटम ये हाइड्रोजन का एटम, तो अपन कहेंगे चार टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, इट हैज फोर टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बिटवीन बी एंड एच एटम्स, ये हो गया टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब अपन क्या कहेंगे और उसमें क्या पूछ सकते हैं, तो पोजीशन एक तो हो गया, जो आउटर वाले हाइड्रोजन एटम्स है वो एक ही प्लेन में लाई करेंगे, और जो सेंटर वाले हाइड्रोजन एटम है दे आर परपेंडिकुलर टू आउटर हाइड्रोजन एटम्स, तो अपन कहेंगे आउटर हाइड्रोजन एटम्स आर लाइंग इन द सेम प्लेन, वेयर इज द हाइड्रोजन एटम बिटवीन बोरोन एटम्स आर परपेंडिकुलर टू दोज हाइड्रोजन एटम्स, आउटर साइड एच एटम आर इन सेम प्लेन, वेयर इज द एच एटम बिटवीन बोरोन आर परपेंडिकुलर टू मॉलिक्यूलर वेव, परपेंडिकुलर टू मॉलिक्यूलर वेव, ठीक है भाई। अब अपन कहेंगे ठीक है, अब एक बात और चेक करते हैं, इसमें स्ट्रक्चर में अपन को ये पॉइंट्स ध्यान रखना, सारे ही पॉइंट ध्यान रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल होता है, राइट, ठीक है ना। तो अब अपन क्या करेंगे भाई, आपने तीन एटम को बॉन्ड किया था दो इलेक्ट्रॉन से, एक इसका इलेक्ट्रॉन और एक इसका इलेक्ट्रॉन, तो ये दो इलेक्ट्रॉन तीन सेंटर को बॉन्ड किया, तो उसको दो इलेक्ट्रॉन तीन सेंटर बॉन्ड बोलेंगे। अब अपन कहेंगे बॉन्ड एंगल की बात करते हैं, मेरे पास एक ये बॉन्ड एंगल है, एक ये होगा, ये और ये तो सेम होंगे इसलिए दोनों को कंपेयर करने की जरूरत नहीं, ये और ये डिफरेंट होने चाहिए, व्हाइट इज सो, क्योंकि यहां पर तीन सेंटर दो इलेक्ट्रॉन से बॉन्डेड है, ये इसका इलेक्ट्रॉन था ये इसका इलेक्ट्रॉन था, तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर तो दो सेंटर दो इलेक्ट्रॉन से बॉन्डेड है, तो यहां पर बॉन्ड एंगल अगर अपन थीटा वन ले लें और इस वाले को थीटा टू कर दें, और अपन से कहा जाए कि भाई अच्छा बताओ थीटा वन बड़ा होगा कि थीटा टू बड़ा होगा, ये पूछा जाए अपन से,
तो फिर क्या करेंगे, तो अपन कहेंगे देखो भाई अगर हम थोड़ा सा कॉमन सेंस से सोचें तो अपन कहेंगे भाई दो एटम के बीच में दो इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, बॉन्ड अच्छा बनेगा। अगर आप तीन एटम को बॉन्ड कर रहे हो, मतलब एक बोरोन, एक हाइड्रोजन और एक और बोरोन, इसका इलेक्ट्रॉन इसको बॉन्ड करके इसी को इसमें डोनेट कर रहे हो, ये तो गलत बात है। मतलब फिर तो इसमें अच्छी इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं होगी, और इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं होगा तो बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा। भाई ओवरलैपिंग इफेक्टिव होता है तो बॉन्ड लेंथ छोटा होता है, इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं होगा तो बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा, राइट ना भाई। ओवरलैपिंग जितना अच्छा होता है अपन कहते हैं बॉन्ड लेंथ भी, क्योंकि दोनों जितना अच्छा इफेक्टिव ओवरलैपिंग है उतने ही ज्यादा वो अच्छे बॉन्डेड होते हैं एटम आपस में, राइट। तो अपन कहेंगे यहां पर बॉन्ड लेंथ जो है, राइट, यहां पर जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या करेंगे अपन क्या करेंगे उसको, कि यहां पर बॉन्ड लेंथ, क्योंकि ये तो अच्छा इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं है, अगर ये अच्छा इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं है तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे अच्छा ये इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं है इसका मतलब है कि बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा। वैसे भी बड़ा होना चाहिए भाई, क्योंकि आप दो इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर तीन एटम को बॉन्ड कर रहे हो, अच्छा इसका मतलब ये वाले बॉन्ड लेंथ जो है वो बड़े होंगे और ये वाले बॉन्ड लेंथ जो होंगे वो छोटे होंगे, BH बॉन्ड। तो बॉन्ड लेंथ और बॉन्डिंग दोनों में क्या रिलेशन है, तो अपने पढ़ा हुआ है ना बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल में रिलेशन, क्या रिलेशन होता है बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल में, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल दोनों में रिलेशन तो पढ़ा हुआ है ना अपने, बिल्कुल, जहां बॉन्ड एंगल बड़ा होता है वहां बॉन्ड लेंथ छोटा होता है, देयर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अपन क्या कहेंगे, अपन कहेंगे भाई यहां तो बॉन्ड लेंथ छोटे होंगे क्योंकि टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, तो ये बॉन्ड एंगल बड़ा होगा, और यहां पर बॉन्ड लेंथ छोटे होंगे क्योंकि यहां बॉन्ड लेंथ बड़े हुए हैं तो बॉन्ड एंगल छोटे होंगे, तो इसका मतलब है थीटा वन इज ग्रेटर देन थीटा टू। अपन लिखेंगे ये अपने लिए पॉइंट ए हो गया, पॉइंट बी हो गया, पॉइंट सी हो गया, पॉइंट डी लिखते हैं। थीटा वन इज ग्रेटर देन थीटा बिकॉज द बीएच आउटर बीएच बॉन्ड आर स्ट्रॉन्गर देन बीएच बॉन्ड द बीएच और यू कैन राइट देन द ब्रिज बीएच बॉन्ड, ये आपके ब्रिज बॉन्ड्स, ये दोनों बोरोन एटम के बीच में जो ब्रिज बन रहा है ब्रिज बीएच बॉन्ड, ये बता सकते हैं, ये अपने पास अपन बोल सकते हैं कि दैट इज द इंफॉर्मेशन व्हाट वी रिक्वायर्ड फॉर B2H6। तो बॉन्ड एंगल मेरे ख्याल से कोई पूछने वाला नहीं है कितना बॉन्ड एंगल होता है, अपन को बस बता होना चाहिए कहां ज्यादा होगा कहां कम होगा, वरना पूछेंगे तो बता देंगे भाई ये 120 होता है ये 97 होता है, हो गया बॉन्ड लेंथ, ये 97 होता है, अगर कोई पूछेगा तो बताएंगे, नहीं तो बताने की जरूरत नहीं, लाइक दैट वी कैन राइट। बट हमको ये जनरल इंफॉर्मेशन पूछते हैं, थीटा वन बड़ा होगा या थीटा टू बड़ा होगा, कौन से बॉन्ड लेंथ बड़े होंगे कौन से बॉन्ड लेंथ छोटे होंगे, तो अपन कहेंगे ये वाले बॉन्ड लेंथ बड़े होंगे ये वाले बॉन्ड लेंथ छोटे होंगे, व्हाई इट इज सो, बिकॉज ये तो इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं होगा, लाइक दैट वी कैन राइट। सो दिस इज अबाउट द इंफॉर्मेशन व्हाट वी रिक्वायर्ड फॉर B2H6। अब अपन कहेंगे कि भाई ठीक है B2H6 में अपन पता चल गया कि भाई कैसे B2H6 का स्ट्रक्चर हमें बताना है, व्हाट शुड बी द हाइब्रिडाइजेशन, तो अपन कहेंगे ठीक है इसके अराउंड कितने बॉन्ड बने हुए हैं, चार sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ऑब्वियस सी बात है मल्टी सेंट्रल एटम में किसी भी एक सेंट्रल एटम से अपन को स्ट्रक्चर बताना होता है, वी आर एबल टू डू। तो इसमें अब अपन कहेंगे B2H6 विल बी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और इलेक्ट्रॉन रिच और इट विल हैव ऑक्टेट कंप्लीशन लाइक दैट, तो अपन कहेंगे ठीक है एक बार चेक कर लेता हूं ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है कि नहीं, मैं क्या करूंगा कितने बॉन्ड्स हैं इसमें, 1 2 3 4
5, 6, 7, 8. अगर 8 बॉन्ड है तो 2 इलेक्ट्रॉन के हिसाब से 16 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए टोटल मॉलिक्यूल में। भाई दो एटम के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो अपन कहते हैं वो स्टेबल मॉलिक्यूल। तो अगर टोटल बॉन्ड आपने 8 बना रखे हैं, 8 बॉन्ड्स हैं, है ना, 8 बॉन्ड है तो एक बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन से, तो टोटल कितने होने चाहिए, 16। और इसमें कितने हैं, 2, 4, 6, 8, 10 और 12। इस मॉलिक्यूल में तो टोटल इलेक्ट्रॉन जो इन्वॉल्व है वो कितने हैं, 12। इट्स अ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल। इफ इट इज अ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इट्स अ लुईस एसिड। तो B2H6 इज अ लुईस एसिड सिंस इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। B2H6 इज अ लुईस एसिड सिंस इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तो अपन ऐसे बोल सकते हैं इसको कि भाई ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इट्स अ लुईस एसिड। अब और कुछ पूछ सकते हैं इसमें, तो अपन कहेंगे नहीं इसमें कुछ नहीं पूछ सकते। लेकिन मैं ये जरूर बोल सकता हूं कि अगर कोई मॉलिक्यूल मेरे पास ऐसे है, कोई मॉलिक्यूल मेरे पास ऐसे है जिसके पास अदर एटम्स हो, मतलब ऐसा कोई भी एटम, ए ले लेता हूं, उसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है और अदर एटम के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो मुझे थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि कौन इस टाइप के स्ट्रक्चर्स बना सकता है और कौन कौन से मॉलिक्यूल बना सकते हैं इस टाइप के स्ट्रक्चर्स। तो मैं ये बता सकता हूं कि भाई उन मॉलिक्यूल्स में, जैसे मैं एक एग्जांपल लिख लेते हैं, अभी तो अपन बस इसको ऐसे नोट करके लिख लेते हैं, बाद में अपन डिस्कस कर सकते हैं। अदर मॉलिक्यूल्स विच हैज, अपने लिए अभी सिर्फ B2H6 पढ़ना है, अदर मॉलिक्यूल विच हैज 3 center 2 electron bonds, और कौन से मॉलिक्यूल है जिनमें 3 center 2 electron bond अपन बना सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही मॉलिक्यूल्स होता है, और भी हो सकते हैं जिनमें 3 center 2 electron bond हो सकता है। अदर मॉलिक्यूल विच हैज 3 center 2 electron bond इज BeH2, इसमें भी 3 center 2 electron bond बनेंगे। एल्यूमिनियम CH3 6 Al2 Cl3 6, इसमें भी 3 center 2 electron bond हो सकते हैं। फिर B2H6 तो हो गई होगा, दीज आर एटलीस्ट 2 मॉलिक्यूल जिनमें अपन 3 center 2 electron bond बोल सकते हैं। अब अपन कहेंगे कि भाई ये अदर मॉलिक्यूल से अपन ने नोट करके लिखा हुआ है, लेकिन अभी अपन को सिर्फ B2H6 लिखना है, मैं इनको छोड़ भी सकता था क्योंकि अपने लिए तो अपन को ये पढ़ना है बस, लेकिन अपन कुछ ऐसे लिख तो लेते हैं ना, जबकि भाई अगर कभी रिवाइज करेंगे, चलो जब आप बाद में बता दोगे इन सबके स्ट्रक्चर कभी ना कभी तो आप बताओगे ना, तो जब भी आप बताओगे तो मुझे पता रहेगा रिवीजन के टाइम कि भाई ये स्ट्रक्चर भी होते हैं जिनमें 3 center 2 electron bonds होते हैं, और सर ने अपन को कल से बताया कि उसमें होता क्या है, राइट, और होना ही चाहिए क्योंकि इसमें भी एम्प्टी ऑर्बिटल है और इसमें भी एम्प्टी ऑर्बिटल है, और जो दूसरा अदर एटम आपने लिखा हुआ है, राइट, जो अदर एटम लिखा हुआ है आपने ऐसे, उसके पास लोन पेयर नहीं है, ये सबके सब डाइमर लिखे हुए हैं, Al2 CH3 whole 6, और यहां BeH2, यहां पर मैंने n टाइम्स लिखा हुआ है, इट्स अ पॉलीमर, n टाइम उसको मैंने पॉलीमरिक लिखा हुआ है, n टाइम्स वो अपन ने डाइमर लिखा हुआ है AlCH3 का, राइट, तो वो 2 मॉलिक्यूल्स हैं जिनको अपन, मतलब काफी कॉमन होंगे इसलिए मैंने वही लिखा हुआ अभी, जो काफी कॉमन हो जिनमें अपन बता सकते हैं कि वो डाइमर जैसे एग्जिस्ट करेंगे, ये वाला डाइमर होगा, ये पॉलीमर जैसे एग्जिस्ट करेगा। तो B2H6 को तो रट डालो, और यहां पर जो मैंने बताया कि 3 center 2 electron bond, मतलब इधर 3 एटम बॉन्डेड है, 2 इलेक्ट्रॉन है सेंटर वाले। अब इसमें अपन मैं जस्टिफाई कर रहा था कि भाई अगर अपन क्या बताना चाहते हैं कि अगर अपन चाहें तो बता सकते हैं कि भाई बहुत सारे मॉलिक्यूल्स और कौन कौन से होते हैं, जैसे अपन ने ये बताया,
अब इनके स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर सकते हैं बट नॉट रिक्वायर्ड नाउ, राइट। तो इसमें अपन ऐसे बता सकते हैं, तो इंफॉर्मेशन तो अपन लिख ही सकते हैं भाई, जो अपने सिलेबस में अपन ने वो लिखा, बाकी अपन बता सकते हैं कि और कौन कौन से रख सकते हैं। लेकिन जो जनरलाइज स्टेटमेंट होते हैं ना, ये वैल्यूज अपन को याद रखनी जरूरी नहीं है, लेकिन जो जनरलाइज स्टेटमेंट मैंने लिखे ना, ये स्टेटमेंट अपन को काफी इंपॉर्टेंट होता है, तो वो अपन ने लिख लिया। अब मैं दूसरा स्ट्रक्चर की बात करता हूं, ट्राइमर ऑफ SO3 वो बताया मैंने, ट्राइमर ऑफ SO3 वी नो दैट, बताने की जरूरत है। फोर्थ पॉइंट लिखता है, राइट दैट फॉस्फोरिक एसिड अपन को पता है क्या होता है, ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड अपन को पता है क्या होता है। तो फॉस्फोरिक एसिड में अपन क्या लिखेंगे, दैट विल बी लाइक दिस, फॉस्फोरिक एसिड मतलब एक एसिड H3PO4 होगा फॉस्फोरिक एसिड। अगर किसी एक एसिड से अपन वाटर हटाते और फिर भी उसमें हाइड्रोजन हो, वाटर हटा दिया और उसमें फिर भी हाइड्रोजन है, ये एक एसिड है, वाटर रिमूव किया फिर भी इसमें हाइड्रोजन है, तो फिर ये मेटाफॉस्फोरिक एसिड, फिर ये क्या होगा, मेटाफॉस्फोरिक एसिड, इट विल बी लाइक दिस। फॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर अपन को पता है क्या होता है, दैट इज लाइक दिस फॉस्फोरिक एसिड, और मेटाफॉस्फोरिक एसिड इट विल बी लाइक दिस। Metaphosphoric acid will be writing like this. This is metaphosphoric acid. अब metaphosphoric acid में what happens? Metaphosphoric acid, phosphoric acid can exist as a trimer. ये भी ट्राइमर जैसे एग्जिस्ट करेगा, राइट। वाटर को ऐड करने से या वाटर को रिमूव करने से कभी किसी का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होता, वाटर को ऐड करने से या रिमूव करने से किसी का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होता, ठीक है, ओके। तो अपन इसको लिखेंगे ऐसे, डबल बॉन्ड हो, एक ऑक्सीजन एक फास्फोरस, ये सिक्स मेंबर ट्रांजिशन स्टेट, सिक्स मेंबर रिंग बना रहा ना, वो सिक्स मेंबर रिंग बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए हर एक मॉलिक्यूल ना जो भी सिक्स मेंबर रिंग में आ सकता है वो एग्जिस्ट करेगा, ये इसका भी तो ये रीजन था, ये तो मैं आपको बता चुका हूं, इसलिए मैंने आपको नहीं बनाया, बट दिस इज द ट्राइमर ऑफ metaphosphoric acid. So exist as a trimer and also can exist as trimer, exist as a polymer. ये polymer जैसे भी exist करता है और trimer जैसे भी exist करता है। इसका polymeric structure will be like this. जैसे अपन ने ये बनाया ना, तो actually इसको बनाने का तरीका था, but what I think कि भाई ठीक है, अपन ने, मैंने SO3 को भी बताया था आपको ऐसे, मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको, OH लिख लेता हूँ, डबल बॉन्ड लिखता हूँ, इसमें भी डबल बॉन्ड लिखता हूँ, एक डबल बॉन्ड लिखता हूँ और एक OH लिखता हूँ, और ये ना डबल बॉन्ड को ऐसे ओपन कर लेता हूँ, डबल बॉन्ड यहाँ पर, मतलब यहाँ वाले डबल बॉन्ड से मैंने यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बना लिया, यहाँ वाले डबल बॉन्ड से मैंने यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बना लिया, और यहाँ वाले डबल बॉन्ड से मैंने यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बना लिया, दैट इज हाउ वी गेट द स्ट्रक्चर। भाई यहाँ पाई बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कर लेते हैं, इसके पाई बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कर लेते हैं, इसके पाई बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कर लेते हैं, बिगर द स्ट्रक्चर। तो ये बॉन्ड बन गया, दैट इज हाउ वी हैव रिटन द स्ट्रक्चर। अगर कभी मतलब अगर भूल जाओ तो इससे बना लेना अपने आप से। अब इट कैन एग्जिस्ट एज अ पॉलीमर, तो पॉलीमर में भी मैं क्या करूंगा ना, बिल्कुल ऐसे ही मैं पॉलीमर में बनाऊंगा, भाई ये डबल बॉन्ड है,
इधर OH लिख लेता हूं, इधर भी OH, इधर डबल बॉन्ड है, इधर डबल बॉन्ड लिख लेता हूं, इधर OH, इधर डबल बॉन्ड है, इधर भी डबल बॉन्ड लिखता हूं, OH लिखता हूं, पॉलीमर बना रहा हूं। तो मैं क्या करूंगा ना, इसके बॉन्ड को यहां शिफ्ट कर लूंगा, तो इसके बॉन्ड को यहां शिफ्ट कर लूंगा, तो इसके बॉन्ड को यहां शिफ्ट कर लूंगा, आई विल गेट अ पॉलीमरिक स्ट्रक्चर। मतलब P इधर डबल बॉन्ड रहेगा, इधर OH रहेगा, इधर वाला सिंगल बॉन्ड इधर वाले बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, इधर ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही रहेगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो इसका बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, कर दिया। फिर जब ये यहां शिफ्ट होगा तो ये आगे शिफ्ट होगा, तो कर दिया। दैट इज हाउ द स्ट्रक्चर, दैट इज हाउ। तो यहां पर मतलब पॉलीमर बहुत है जिनका कोई एंड नहीं होता, तो अपन ने पॉलीमर एक ऐसे बना लिया, दैट इज पॉलीमर ऑफ मेटाफॉस्फोरिक एसिड। अगर हम देखें तो फॉस्फोरिक एसिड इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, लेकिन अगर हम इसको देखेंगे तो ट्राइमर में इट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड और पॉलीमर में भी इट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। आप देख सकते हो हर एक फॉस्फोरस के अराउंड चार सिग्मा बॉन्ड्स, हर एक फॉस्फोरस के अराउंड हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स आर देयर, देयर इज 4 सिग्मा बॉन्ड्स, आप देख सकते हो। ठीक है, किसी को डाउट नहीं, तो दैट इज ऑल। अब अपन लिख सकते हैं, दैट इज वी कैन राइट दैट सर, लिखना है, लिखो लिखो लिखो, कोई बात नहीं, इधर ही मतलब थोड़ा सा प्रमोट करूंगा, दूसरा स्ट्रक्चर लिख लेते हैं अपन। तो वी कैन राइट फॉस्फोरस का स्ट्रक्चर, फॉस्फोरस को दो टाइप से होता है, एक P4 जिसको अपन कहते हैं व्हाइट फॉस्फोरस, ठीक है, जो P4 होगा, और एक होता है दैट इज रेड फॉस्फोरस, जो कि पॉलीमर होता है। ये इस टाइप से फास्फोरस का स्ट्रक्चर होता है। तो फास्फोरस का स्ट्रक्चर अगर अपन लिखेंगे तो वी कैन राइट दैट बाय फास्फोरस के स्ट्रक्चर में P4 इज लाइक दिस, फास्फोरस या तो 3 बॉन्ड बनाएगा या फिर 5 बॉन्ड बनाएगा, बट अपने स्ट्रक्चर्स में वो हमेशा 3 बॉन्ड बनाता है, तो चलो देखते हैं।
फॉस्फोरस P4 विल बी लाइक दिस, दैट इज द वाइट फॉस्फोरस, अपन ऐसे लिख लो, ये आपस में बॉन्ड है, फिर ये आपस में एक बार बॉन्डेड कर देते हैं अपन, एक ये आपस में एक बार बॉन्डेड हो जाएगा, बाकी इनके पास लोन पेयर। हर एक फॉस्फोरस जो है ना, ये जो बॉन्ड्स बनाता है ना, थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना, मैं थोड़ा ऐसे कर लेते हैं, पी 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 और पी ऐसे बना देता हूँ, तो अपन ऐसे बनाया था, फिर सब आपस में ऐसे ज्वाइन होते हैं, तो व्हाट आई मीन इज जो सारे बॉन्ड एंगल्स होते हैं ना वो 60 डिग्री होते हैं इसमें फॉस्फोरस में, पी फोर में जो बॉन्ड एंगल्स होते हैं वो 60 डिग्री होते हैं, और हर एक फॉस्फोरस के पास एक लोन पेयर होता है, और हाइब्रिडाइजेशन इज sp3, ऑब्वियस सी बात है, तीन बॉन्ड कोई कॉन्जुगेशन थोड़ी होगा उसके पास, लोन पेयर है तो सिग्मा बॉन्ड काउंट करेंगे, sp3 बोलेंगे। ये पी फोर मॉलिक्यूल में कितने 60 डिग्री बॉन्ड एंगल है, पी फोर मॉलिक्यूल में कितने 60 डिग्री बॉन्ड एंगल है, कितने आ गए अपने पास, तो अपने पास काफी सारे आंसर, 8 आए, एक ही आंसर 12 आया, भाई ये 12 वाला आंसर कैसे आया, तो आंसर इज 12। अब एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक इन दोनों में बनेगा ना उधर उस साइड से, ये लोन पेयर है, और एक इन दोनों में भी तो बनेगा उधर से, तो एक फास्फोरस से 360 डिग्री बन रहे, तो 4 से 12 बन गए, सही है, 12 वाला 12 बन गए भाई, एक फास्फोरस के अराउंड कितने 3 बॉन्ड है ना ये, और ये sp3 hybridized आपने बोला तो है, तो ये ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा ना, ये तो ट्राइगोनल प्लेनर हो गया ना, ये तीनों बॉन्ड्स और ये जैसे अमोनिया में होता है, भाई एक लोन पेयर लिखोगे, एक हाइड्रोजन हो गया, एक इधर हो गया और एक इधर हो गया, ऐसे हो गया ना बॉन्ड, तो एक इन दोनों के बीच में, एक इन दोनों के बीच में, व्हाट अबाउट इन दोनों के बीच में, वो भी तो होगा, तो टोटल कितने बने, 12 बने बॉन्ड एंगल्स, तो 12 60 डिग्री बॉन्ड एंगल्स है उसमें, ठीक है भाई। अब रेड फॉस्फोरस की बात करते हैं, तो इट इज लाइक दिस, रेड फॉस्फोरस में इट इज पॉलीमेरिक, सभी फॉस्फोरस आपस में 3 बॉन्ड बनाएंगे, ये पॉलीमर है, दिस इज हाउ द पॉलीमर इज, मतलब ऐसे ही रिपीटेड यूनिट्स बनते हैं। ठीक है, तो अपन इसमें बता सकते हैं कि भाई पॉलीमरिक में कैसे बताना है तुमको, समझ में आना सबको, ये फास्फोरस तीन बॉन्ड बने हुए ऐसे, ये इसका लोन पेयर था फास्फोरस पे, तो एक बॉन्ड एंगल 60 इनके बीच में, एक बॉन्ड एंगल 60 इसके बीच में, और एक बॉन्ड एंगल इसके बीच में, मतलब एक फास्फोरस के अराउंड 60 60 और ये वाला 60, 360 थे, तो बाकी टोटल कितने हो गए 60, एक के पास 3 बने तो बाकी 12 हो गए, अब लिख लेना उसको। बिल्कुल, देयर इज अ रीजन फॉर द कलर, होता ही है, हर एक का रीजन होगा, बिल्कुल, अभी तो अपन ऐसा कुछ नहीं पढ़ने वाले, अपन तो बस फास्फोरस दो टाइप के होते हैं, एक रेड एक ये वाइट फास्फोरस, तो वाइट वाला जो होता है वो P4 होता है, और रेड वाला जो होता है वो पॉलीमेरिक होता है, ये बता देंगे अपन, अभी कलर के उसमें नहीं, कलर क्यों आता है ये सब नहीं पढ़ने वाले, फास्फोरस के बाद में SiO2 बना देंगे, दिस इज कॉल्ड सिलिकेट्स, है ना, जो SiO2 होगा दैट इज कॉल्ड सिलिकेट। अभी सिलिकेट में ना इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, बिकॉज SiO मतलब जैसे CO2 होता है
CO2 में क्या होता है, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना सकते हैं, लेकिन सिलिकॉन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड नहीं बना पाते। जैसे कार्बन सिलिकॉन ये तो अपन को पता है जर्मेनियम ऐसे बनाते हो, एक ही ग्रुप का एलिमेंट है। तो अगर इसका ऑक्साइड लिखूंगा, इसका ऑक्साइड लिखूंगा, जर्मेनियम ऑक्साइड लिखूंगा, तो जैसे ये बनता है वैसे इसको भी बनना चाहिए, तो इसको भी ऐसे बना दो, तो अपन कहेंगे सिलिकॉन और ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड नहीं बनता ड्यू टू देयर इंटर मॉलिकुलर डिस्टेंस। बड़ा है ना इंटर मॉलिकुलर डिस्टेंस, तो ओवरलैप नहीं कर पाता, नहीं बनता तो वो ऐसे एग्जिस्ट करता। दिस इज हाउ इट एग्जिस्ट, फिर ये ऐसे एग्जिस्ट करता। मतलब हर एक सिलिकॉन के बीच में, दो सिलिकॉन के बीच में एक ऑक्सीजन होता है, इट इज लाइक दिस। दो सिलिकॉन के बीच में एक ऑक्सीजन होता है, मतलब इट एग्जिस्ट एज लाइक दिस। So, 8 membered ring, ये अगर देखोगे तो 8 एटम है इसमें, तो 8 membered ring। अब ये तो ओवरलैप करता नहीं है ऑक्सीजन, क्योंकि बनते नहीं उनके बीच में डबल बॉन्ड। वो डबल बॉन्ड बनता तो अपन ऐसे नहीं बता देते जैसे CO2 बनता वैसे ऐसे ही O2 बन जाएगा, तभी तो ये स्ट्रक्चर लिख लेगा, राइट। तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे भाई देखो 8 मेंबर्ड रिंग एंड ऑल एटम्स आर sp3। इसके अराउंड भी 4 सिग्मा बॉन्ड है, इसके अराउंड भी 4 सिग्मा बॉन्ड है, वो लोन पेयर कंजुगेशन में है ही नहीं, ठीक है ना। तो अपन बता देंगे भाई कि इसको सिलिकेट्स के स्ट्रक्चर कैसे होंगे। अभी अपन को बस ये पूछेंगे बताओ सिलिकेट का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो अपन को पहले से पता है, वही तो बता रहा हूं मैं आपको, जो पहले से पता है। मैं ये थोड़ी कह रहा हूं SiO2 है चलो स्ट्रक्चर बताओ, तुमको कैसे पता होगा। तो जितना बता रहे हैं अपन कि भाई अच्छा ठीक है ये मुझसे पूछा जाएगा तो मैं बता दूंगा, लेकिन अननोन को किसी ने बोला मुझसे कि भाई आप इसमें रेड होता है, व्हाइट होता है, ब्लैक होता है, ब्लैक में भी अल्फा होता है, ब्लैक में भी बीटा होता है, अब आपने बताया नहीं तो मैं कैसे बताऊंगी क्या होता है, या आपने पढ़ाया होता, और इन तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल ये होता है, वही बताया नहीं आपने, राइट। लेकिन अपन से कोई पूछने वाला नहीं है ना अभी, तो क्यों बताना, जो पूछेंगे वो बताते हैं ना। सो फास्फोरस के पॉलीमर स्ट्रक्चर में 60 डिग्री एंगल होता है? नहीं होता, उसमें ज्यादा होगा, इधर ज्यादा हो जाएगा, इधर विल बी नियरली 120, तीन ही बॉन्ड है ना, इधर वाले पार्ट में ये ऐसे एक्सपैंड हो गया ना, तो ज्यादा हो जाएगा। ओके सर, तो थीटा ग्रेटर देन 60 लिख लो, ऐसे कर लो, ठीक है ना, अपन ऐसे लिखते हैं। एट्थ वाला, सेवेंथ वाला, तो ना कुछ कुछ पार्ट ऐसे ना, अपन बस जितना आप मुझे बता रहे हो उसमें, मेरा एक्सपेक्टेशन ये नहीं है कि आप बहुत सारा पढ़ो, मेरा एक्सपेक्टेशन बस ये है जो बताया है उसमें हम गलती नहीं करेंगे, ये गारंटी रहता है, मुझे बस उतना ही चाहिए। अगर तुम ये गारंटी दे दो ना कि जो आप बताओगे उसमें हम गलती नहीं करेंगे, तो अपना रैंक 100 के अंदर होगा। अगर जो बताया उसमें हम गलती नहीं करेंगे, आप देख लो, जो नहीं बताया उसमें गलती करेंगे, लेकिन तो हाँ ठीक है, वो तुम्हारा हक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें बैक बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है, अगर बैक बॉन्डिंग पॉसिबल होता तो मैं डबल बॉन्ड बना देता, डबल बॉन्ड बन जाता तो मैं CO2 जैसे नहीं बता देता। चलो दूसरा देखते हैं अपन, 7। अब मैं लिखने वाला हूं डायमंड का स्ट्रक्चर, और डायमंड तो कार्बन होता है और ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, ठीक है, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो हर एक कार्बन 4 कार्बन एटम से अटैच होगा ऐसे, ठीक है भाई, ये तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आपने लिखा तो मैं ठीक है, इसमें फिर तो मुझे पता है कितना 109.28 मिनट्स बॉन्डिंग एंगल, ये इसका स्ट्रक्चर होगा, दैट इज अ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ईच कार्बन एटम इज अटैच्ड विद अ 4 कार्बन एटम एंड इट विल हैव अ पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर, ये भी sp3, ये भी sp3, ये भी sp3, ये भी sp3, क्यों, क्योंकि वो पॉलीमेरिक होगा, एक थोड़ी होगा ऐसे कि एक कार्बन
हमने तो सिर्फ ये दिखाया कि कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, 109.28 मिनट्स बॉन्ड एंगल होता है, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ डायग्राम। एट, अब मैं ना उस पार्ट पे आ गया जो आपका पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो 11th क्लास में है, आप उसको बताओ इसलिए क्योंकि ये तो 15th ग्रुप वाला है, वो 12th क्लास में होता है, ये 14th ग्रुप है, 11th क्लास वाला पार्ट है, 14th ग्रुप 11th क्लास वाला पार्ट है, पर को वो पहले पढ़ने चाहिए जो 11th क्लास वाले है, राइट ना, तो अपन वो पहले पढ़ेंगे। अब अपन डायमंड की बात करेंगे, फिर ग्रेफाइट की बात करो। ग्रेफाइट जो होता है ना वो हेक्सागन के फॉर्म में होता है, मतलब इट विल बी हेक्सागोनल शीट्स, ऐसे हेक्सागन, हेक्सागन अपन को पता है उसके 6 साइड होंगे, तो है ये हेक्सागन जैसे होगा, ग्रेफाइट जो होगा ना वो हेक्सागन जैसे होगा, ये ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है, चलेगा अपन मतलब कहीं भी बना सकते हैं, कोई भी बनाओ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको भी बना ही देते हैं, मतलब बहुत सारा बना सकता है। तो अपन क्या करेंगे इसमें, एक ये ऐसा शीट अज्यूम कर रहा हूं, तो दूसरा शीट मतलब एक और ऐसा बना देते हैं, हेक्सागोनल शीट्स, मतलब ये दूसरा लेयर होगा, अब नीचे वाला तो दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा ऊपर बना लेंगे, इसको थोड़ा ऊपर बना लेते हैं, एक ही हेक्सागन और ऐसे बना देता हूं कि इधर काफी सारे हेक्सागन है, ठीक है ना, अपन को पता है आप सारे हेक्सागन बनाओ, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी ऐसे हेक्सागन बनाओ। तो इसमें क्या होता है कि भाई इसमें ना ऐसे इधर भी होता है, बहुत पॉलीमरिक स्ट्रक्चर होता है, तो ऐसे बनेगा ना सब। अब ग्रेफाइट में क्या होता है, ऐसे डबल बॉन्ड्स होता है, कार्बन के चार वैलेंसी होती है, तुम देख रहे होगे ना ऐसे अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, अल्टरनेट इधर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ऐसे रहते डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ऐसे होता है कंजुगेशन, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड। तो अब क्या होगा ना इसमें, तो जो बॉन्ड लेंथ होता है कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इसका, तो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इज 1.42 एंगस्ट्रॉम मिनट, तो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ होगा 1.42 एंगस्ट्रॉम मिनट होता है, और ये एक ही रिंग में होगा जो 4-2 बॉन्ड लेंथ होगा, और लेकिन इधर ना क्योंकि ये दो लेयर्स हो गए, एक ये लेयर हो गए हैं हेक्सागोनल लेयर्स, ये दूसरा लेयर है, तो ये दूसरा लेयर है, ये मतलब एक हेक्सागन इधर है एक हेक्सागन नीचे है, ऐसे लेयर्स में, तो आपस में जो कार्बन कार्बन है ना एक ही लेयर में, वहां 1.42 एंगस्ट्रॉम लिख लो, और जो बिटवीन द लेयर्स है ना ऐसे बिटवीन द टू लेयर्स, वो 3.40 एंगस्ट्रॉम होता है, तो वो स्लिपरी होता है। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन बता दो, जैसे आपने यहां पर बताया ये तो साफ साफ दिख रहा है sp3 है, तो ग्रेफाइट में आप देख लो किसी भी कार्बन के अराउंड कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं, 3, तो sp2 बताओ, हाइब्रिडाइजेशन अब अपन ये नहीं बोल सकते कि इन दोनों के बीच में बॉन्ड है, वो एक्चुअल बॉन्ड नहीं होता, कोवेलेंट बॉन्ड, दैट इज अ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। अभी बॉन्डिंग के लिए तो कार्बन के 1, 2, 3, 4 बॉन्ड बन गए, उसके अराउंड 5 बॉन्ड थोड़ी बना सकता है, तो अपन तो कहते हैं कि भाई एक लेयर में ही सारे बने हुए हैं, दूसरा लेयर जो है अब इन लेयर्स को पास लेके आओगे ना तो इनमें अट्रैक्शन होता है, और जो अट्रैक्शन होता है बिटवीन द लेयर्स दैट इज कॉल्ड वंडरवॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब नाम की वजह से मैंने अट्रैक्शन का नाम नहीं लिया था,
कि अब बताओ वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, तो रुकते हैं अपन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पढ़ना है अपन को हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर, तो मैं बताऊंगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होते हैं। तो अब बोला है तो फिर लिख देता हूं वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लेकिन एक्सप्लेनेशन आपको बाद में मिलेगा, अभी सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन अपन को पता है, तो मैंने इसको सेपरेटली लिखने के बजाय यहां लिख देता हूं और यहां पर लिख देता हूं देयर इज वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू लेयर्स, देयर इज ये लिखता हूं देयर इज वंडरवॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू लेयर्स, दो लेयर के बीच में वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अब वो होते क्या है? मैंने आपको बताया अपन को अभी केमिकल बॉन्डिंग 3 में ही पढ़ना है, अपन पढ़ लेंगे डायमंड और ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर हो गया। अब अपन दूसरा चेक, अब दूसरा स्ट्रक्चर बना H3BO3 का स्ट्रक्चर करता है, H3BO3 दैट इज बोरिक एसिड, H3BO3 that is a boric acid. अभी boric acid में क्या होता है? Boric acid is like this. Boric acid is like this. तो अपन कहेंगे भाई एक बात बताओ, boric acid मैं boric acid के structure को ऐसे लिखता हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा, चलो कोई बात नहीं। ऐसे मैंने इसके लिखा, इसके पास लोन पेयर और इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल, बोरॉन छोटा एटम, अगर फ्लोरीन बना सकता है इसमें बैक बॉन्डिंग तो ये भी बनाएगा बैक बॉन्डिंग, अगर फ्लोरीन बना सकता है तो ये भी बनाएगा बैक बॉन्डिंग, तो मैं क्या बोलू? तो मैं बोलूंगा बोरॉन इज एसपीटू एविडेंस्ड, ऑक्सीजन को क्या बोलू, sp3 बोलू या sp2 बोलू? तो अपन कहेंगे देखो भाई अगर इसके एम्प्टी ऑर्बिटल में ये ओवरलैप करेगा तो वो पाई बॉन्ड बनेगा, तो इसके अराउंड तो अभी भी 3 सिग्मा बॉन्ड ही है, तो ये तो sp2 है, लेकिन इसका एक लोन पेयर पाई बॉन्ड जैसे बिहेव कर रहा है, इसका एक लोन पेयर कैसे बिहेव कर रहा है, पाई बॉन्ड जैसे बिहेव कर रहा है, क्यों? क्योंकि ये तो ऑर्बिटल ओवरलैपिंग होगी ना बैक बॉन्डिंग जैसे, मतलब H3BO3 में बोरॉन भी sp2 है और ऑक्सीजन भी sp2 है, देयर इज अ इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, एम्प्टी ऑर्बिटल के साइड में अगर लोन पेयर है तो मिक्सिंग जरूर होगा, इसके पास तो दो लोन पेयर थे तो एक तो हो गई इस एम्प्टी ऑर्बिटल के प्लेन में, तो फिर अगर वो ओवरलैप करेगा तो फिर मुझे उसे पाई बॉन्ड जैसे काउंट करना पड़ेगा, बिल्कुल पाई बॉन्ड जैसे काउंट किया, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ H3BO3। सिलिकॉन और ऑक्सीजन में क्यों नहीं बताया था? सिलिकॉन भी तो था, ऑक्सीजन पे लोन पेयर थे, सिलिकॉन में क्यों नहीं? क्योंकि सिलिकॉन का साइज बड़ा था, तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बोरॉन में अगर ऐसे है तो सिलिकॉन में ऐसे हो गया, तो इसका लोन पेयर उस पर जा नहीं पा रहा था उसके पास, इधर तो दोनों ही छोटे एटम है ना, तो दोनों पास पास है, दोनों के ऑर्बिटल इजीली ओवरलैप कर सकते हैं, लेकिन सिलिकॉन में क्या हो रहा था, वो बॉन्ड लेंथ बढ़ गया, साइज ऑफ सिलिकॉन इज लार्जर ना, तो इसका छोटा ऑर्बिटल उसके ऑर्बिटल तक पहुंच नहीं पा रहा था, इसलिए उसमें सिलिकॉन SiO2 में अपन ने ऑक्सीजन को sp3 बताया, क्योंकि ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बना ही नहीं पा रहा है, पाई बॉन्ड बनाता तो CO2 जैसे नहीं स्ट्रक्चर लिख देते। 10th बोरेक्स, बोरेक्स होता है Na2B4O7.10H2। अब वो 10H2 मतलब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन,
बोरेक्स मतलब, बोरेक्स मतलब इट इज अ ओर ऑफ बोरॉन यू कैन से। और बोरिक पाउडर देखो ना अपन, वो कैरम में जो पाउडर डालते हैं, वो कैरम खेलते हैं ना अपन, तो पाउडर लगते हैं, काफी स्लिपरी होता है, काफी अच्छा होता है, स्मूथ होता है। और इतना ज्यादा स्मूथनेस है उसका कि जितना भी आई ड्रॉप्स होता है ना वो सब बोरिक लोशन बनता है, इतना स्मूथ होता है वो पाउडर कि अपना जितना भी आई ड्रॉप्स है ना उसमें जो थिकनेस बनाते हैं ना वो विस्कोसिटी बढ़ाने के, उसमें बोरिक एसिड डालते हैं, सारे आई लोशन में बोरिक एसिड, इतना स्मूथ होता है वो आई को इफेक्ट नहीं करता। ठीक है, जो भी है आप स्ट्रक्चर बताओ। अब स्ट्रक्चर ना, अब हम कैसे बताएंगे भाई स्ट्रक्चर क्या होता है, मैं तो जो बताऊंगा आपको बस वो याद रखना है और मैं उसी हिसाब से बता रहा हूं आपको कि देखो भाई जितना मैक्सिमम होता है अपन एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं और जो भी आपको समझ में आए कि भाई ठीक है ऐसे आपने बताया हम ऐसे बना देंगे, गलत नहीं होना चाहिए हमारा क्वेश्चन। बिल्कुल, बोरिक एसिड में अपन क्या करेंगे, ये जो है ऐसे बनाएंगे अपन, पहले अपन एक बोरॉन लिख लेते हैं, और ना आप चार बोरॉन है तो ऐसे लिख लो कि बोरॉन का अपन लिख लिया, हर एक बोरॉन तीन ही बॉन्ड बना सकता है, हर एक बोरॉन तीन बॉन्ड बना सकता है, तो अपन एक ऐसे बना, इसके पास अपन एक ऐसे बना, ठीक है ना, ऑक्साइड बोरॉन के बीच में एक ऐसे बना देते, तीन बॉन्ड हो गए भाई सारे बोरॉन, बोरॉन तीन बॉन्ड बनाता है उनको पता है, कितने ऑक्साइड बॉन्ड हो गए, एक दो तीन चार पांच, और इसके बीच में नहीं बताया आपने, गलत हो जाता है वरना, ये बन गया, आपने क्या कहा सभी बोरॉन के बीच में एक एक ऑक्सीजन लिख दो, सभी बोरॉन के बीच में लिखा, तो इन दोनों के बीच में नहीं था उसमें भी लिखा, इन दोनों के बीच में नहीं था उसमें भी लिखा, सभी बोरॉन के बीच में एक ऑक्सीजन लिखा। अब क्या करना होगा, इसमें दो सोडियम है, मतलब मुझे दो Na पॉजिटिव मिलने वाले हैं, तो फिर मुझे दो नेगेटिव चार्ज भी बनाने होंगे, दिख रहा है मुझे दो नेगेटिव चार्ज भी बनाने होंगे, तो मैं दो नेगेटिव चार्ज के लिए क्या करूंगा ना, किसी भी दो बोरॉन पे नेगेटिव चार्ज बना लूंगा, OH माइनस एक, ये OH नेगेटिव चार्ज है ना, एक ये दो बोरॉन पे OH बना देता हूं, किसी भी दो बोरॉन, अच्छा तो दो OH बना दिया आपने, दो OH नेगेटिव डालने से क्या हो गया, अपन ने टू नेगेटिव चार्ज बना लिया इस पे, तो ये दो सोडियम एटम को मैंने दो नेगेटिव चार्ज से सॉल्ट बना दिया। अब क्या बचा अपने पास, तो अपन कहेंगे बाकी जो बचे हुए वाटर उनको लिख दो, स्ट्रक्चर बन गया, दो सोडियम थे दो OH लिखे, बाकी बना बचा हुआ अपन ये लिख देते हैं H2। अब एक बार देखो आप इसमें क्वेश्चन क्या पूछेंगे, कितने ऑक्साइड बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 6 ऑक्साइड बॉन्ड है, ऑक्साइड बॉन्ड का मतलब सेंट्रल एटम के बीच में जो ऑक्सीजन होता है, मैंने आपको बताया स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था। फिर अपन से पूछेंगे कितने बोरॉन एटम है जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो अपन कहेंगे भाई दो इसमें sp2 है, तीन बॉन्ड बने ना कह रहा हूं, और दो इसमें sp3, दूसरा क्वेश्चन ये होगा, समझ में आया, ये हो गया। अब क्या बोल रहे हैं, स्ट्रक्चर में 6 ऑक्सीजन एटम है और फॉर्मूले में 7 है, तो काउंट करो ना, इधर एक वाटर मॉलिक्यूल हो गया OH और H, तो ये एक एक्स्ट्रा है ना उधर, हो काउंट करो, गड़बड़ नहीं होगा कहीं भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब स्ट्रक्चर तो ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि मैं वही स्ट्रक्चर बता रहा हूं आपको जो काफी इंपॉर्टेंट हो मैं अपने लिए, और उन स्ट्रक्चर में अपन गलती नहीं कर सकते, इसलिए हमने जो 9H2O लिखा है उधर, माइनस 9H2O लिखा है, एक यूज कर लिया ना अपन ने,
इधर दो हाइड्रोजन आ गए ना, मतलब एक एच टू यूज कर लिया आपने, तो लिखे तो आपने दो एच, समझे ना? कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब तुम लोग तो बस ध्यान से देखो, और क्या मतलब वो चीज देखो कि आप बोलते क्या हो स्ट्रक्चर बनाने के बाद, स्ट्रक्चर कैसे बनाना है मुझे वो आप याद कैसे रखते हो, इतना सारा याद कैसे रखोगे तुम नहीं तो, है ना? बड़ा मुश्किल है ना इतना याद रखना, तो इसलिए मैं आपको बताता भी हूँ कि मतलब भाई मैं कोई वैसे थोड़ी है कि चलो पढ़ते हैं और उसके बाद पढ़ा देंगे, भाई स्ट्रक्चर याद कैसे रहते हैं? अच्छा बोरेक्स का स्ट्रक्चर बनाना है तो भाई इसमें क्या होता है, हर एक बोरोन के बीच में एक ऑक्सीजन लगाना होता है, तो ना ऐसे बताया था मुझे कि आपने एक ऐसे रिंग बना देना, क्लोज कर देना, एक बोरोन ऐसे लिख लिख के, ठीक है मैंने कर दिया। अब उन्होंने कहा था कि सभी बोरोन के एटम के बीच में एक ऑक्सीजन होगा, लो बना दिया। अब और फिर उन्होंने कहा था दो बोरोन जो है वो sp3 होते हैं, दो sp2 होते हैं, मतलब मुझे दो बोरोन पे दो बॉन्ड और बनाने, एक OH एक OH बना दिया, तो इन पे नेगेटिव चार्ज आ गया। ये नेगेटिव चार्ज क्यों बनाते हैं, तो हमें बताया गया था कि उसमें दो सोडियम होते हैं, उनको उनके लिए जो सॉल्ट बनेगा ना उनसे, उसके लिए आपको बनाना पड़ेगा, तो बना दिया, दो सोडियम थे तो दो नेगेटिव चार्ज आ गया। अब क्या, हाँ तो एक वाटर मॉलिक्यूल यूज किया तो 9 बच गया, एक वाटर मॉलिक्यूल का मतलब है दो हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, ऐसे वाटर हो गया, तो एक वो सेवंथ वाला हाइड्रोजन ऑक्सीजन था ना वो इसमें तो डाल दिया अपन ने, हो गया कोई बात नहीं, समझ में आया ना सबको, तो अपन बता सकते हैं, कोई बात नहीं भाई, ठीक है ना? अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड है तो तुम कहोगे कि भाई पॉजिटिव चार्ज नहीं आया क्या ऑक्सीजन में, आपने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, हाँ तो इस पे OH नेगेटिव होता है, वो नहीं होता पॉजिटिव, नेगेटिव होगा तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाओगे तो नेगेटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, OH नेगेटिव होता है, OH सिर्फ अकेला थोड़ी होता है, ये होता है ऐसे OH नेगेटिव, अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाओगे इससे तो ऐसे बनाओगे ना, और जब आप इसको उसमें कन्वर्ट करोगे तो इसका OH खत्म हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज इधर लगा देंगे, अच्छे से ऑब्जर्व करो, ठीक है बात नहीं। बट वैसे मैं मतलब मुझे लगता है ना कि यार इसमें थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, मैं खुद ही उसको रिपीट कर देता हूँ ताकि मतलब तुम लोग खुद ही गड़बड़ ना करो। अब इसमें ना कुछ और स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं, जैसे अपने पास होगा I2Cl6, सर आपका वीडियो नहीं दिख रहा। यस सर, वीडियो रुक गया।